नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। फसल के नुकसान पर फार्मर्स को मुआवजा देंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा मुआवजा। दिल्ली में अक्टूबर माह में कोरोना से तीसरी मौत, 24 घंटे में आए 36 नए मामले सामने। एक्स बॉयफ्रेंड ने लड़की को चाकू से गोदा, सीसीटीवी में खौफनाक वारदात कैद। न्यू दिल्ली का क्रॉड प्रेस इलाका होगा बैगर फ्री, भिखारियों को शेल्टर होम शिफ्ट करेगी दिल्ली पुलिस। और दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ा डेंगू का खतरा, एसजीएमसी ने चलाया फॉगिंग अभियान। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में बेमौसम बारिश की वजह से जिन लोगों की फसल खराब हुई है उनको दिल्ली सरकार अब मुआवजा देगी। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि प्रति हेक्टर 50,000 रुपये की दर से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने कहा कि बड़े लेवल पर अधिकारी सर्वे का काम कर रहे हैं, जैसे सर्वे का काम पूरा हो जाएगा मुआवजे की राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको सुनवाते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के हित में और क्या कुछ कहा। अभी कुछ दिन पहले अपने दिल्ली के कुछ किसान मुझसे मिलने के लिए आए थे, बहुत दुखी थे। उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मैं अपने दिल्ली के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, आपकी सरकार है ना, हम आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं। आपकी सरकार हर मुसीबत में आपके साथ खड़ी है। पिछले 5-6-7 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, जब जब ऐसे मौके आए जब किसी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, आपकी सरकार ने आगे बढ़ के आपका साथ दिया। हमने हर बार 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया अपने किसान भाइयों को। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा ये है। कहीं पे 8,000 रुपये देते हैं, कहीं पे 10,000 रुपये देते हैं। आपकी सरकार ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया। और केवल घोषणा नहीं की, हम कोशिश करते हैं कि घोषणा करने के महीने, 2 महीने 3 महीने के अंदर सबके अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो मैंने इस बार भी आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन जिन किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, सभी SDM DM जो है वो पैमाइश कर रहे हैं कहाँ कहाँ फसलें बर्बाद हुई हैं, काम चालू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि 2 हफ्ते के अंदर हम सारी पैमाइश वगैरह सर्वे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको जल्द से जल्द अगले महीने 1.5 महीने के अंदर हम आपको आपका मुआवजा आपके अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा। फिर से मैं अपने सारे दिल्ली के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आप दुखी ना हों। मैं समझता हूं आपकी फसलें अगर बर्बाद हुई हैं, एक किसान की किसान फसल ना लगाए उसमें भी उसको तकलीफ़ तो होती है लेकिन उतनी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अगर फसल लगाए, पैसा खर्च दे, खाद लगाए, बीज लगाए, सारा इन्वेस्टमेंट हो जाए और फिर फसल बर्बाद हो जाए तो वो किसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसने कहीं से लोन ले रखा होता है, लोन वापस करने लायक नहीं बचता। तो आप बिल्कुल दुखी ना हो, हम लोग हैं आपके साथ और आपका पूरा मुआवजा हम आपको जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद कम है, लेकिन एक खबर सामने आई है जिसके अनुसार दिल्ली के अंदर अक्टूबर माह में अभी तक कोरोना की वजह से तीसरी मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि त्योहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है, उसके साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंस और कोविड नियमों का बिल्कुल भी उल्लंघन ना करें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना दम तोड़ता दिखाई दे रहा था,
लेकिन पिछले 24 घंटे में 36 नए केस आने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो संक्रमण दर 0.06% रही। पिछले माह कोरोना वायरस संक्रमण से 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक एक मौत 7, 16 और 17 सितंबर को, जबकि 2 लोगों की मौत 28 सितंबर को हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अक्टूबर में अभी तक संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 2 और 10 अक्टूबर को एक एक व्यक्ति की मौत हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की शुरुआत से अभी तक कुल 25,090 लोगों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण में लैंगिक सुधार देखने को मिला है, लेकिन देश की राजधानी में स्थिति विपरीत है। यूनेस्को ने सामाजिक आर्थिक सूचकांक के आधार पर कोरोना टीकाकरण को लेकर लैंगिक समानता सूचकांक GPI तैयार किया है, जिसमें दिल्ली सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। वैक्सीन लगवा चुके पुरुष और महिलाओं के बीच 31.62 लाख से भी अधिक का अंतर दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक भारत में सूचकांक 0.9 से बढ़कर 0.98 तक पहुंचा है, वहीं दिल्ली के लिए आंकड़ा 0.83 है। अगर कोविन वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में 16 जनवरी से अब तक 1,14,50,037 पुरुषों की तुलना में 82,88,036 महिलाओं का ही टीकाकरण हो पाया है। वहीं 5,613 ट्रांसजेंडर को वैक्सीन की खुराक दी गई है। मंगलवार दोपहर तक दिल्ली में कुल टीकाकरण 1,97,43,686 हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक बड़ा ही खौफनाक मामला सामने आया है, जहां पर एक एक्स बॉयफ्रेंड ने लड़की को पहले तो घर से बाहर बुलाया और फिर उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या की वारदात यहीं पास लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में 22 साल की लड़की के मर्डर का दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज सामने आया है, जहां एक्स बॉयफ्रेंड ने पहले तो युवती को मिलने के लिए घर के बाहर बुलाया और फिर 7 बार चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सरेआम हत्या का ये खौफनाक मामला राजधानी दिल्ली में द्वारका जिले के बिंदापुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात एक्स बॉयफ्रेंड ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया। CCTV फुटेज में भी लड़का चाकू से लगातार लड़की पर वार करता दिखाई देता है, जिससे लड़की जमीन पर गिर जाती है। लड़का फिर भी लड़की के बाल हाथ में पकड़कर हमला करता रहता है। दिल दहला देने वाले इस फुटेज में लड़की के अलावा 4 लड़के और नजर आ रहे हैं। इस फुटेज में 2 और लड़के दिख रहे हैं, जो लड़के को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक लड़का दूर खड़ा ये सब देख रहा है। पुलिस ने बताया है कि वारदात की घटना के बाद हमले में गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान हालत में लड़की खुद चलकर नजदीकी हॉस्पिटल गई थी। वहीं CCTV फुटेज में भी लड़की को घायल हालत में मौके से जाते देखा जा सकता है। हालांकि लड़की को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हत्या सोमवार रात 1 बजे के बाद की गई। परिवार वालों को 2:30 बजे रात में जानकारी मिली, जब उसके घर पर देर रात पुलिस की टीम पहुंची। परिजनों ने बताया है कि लड़की किसी के जन्मदिन मनाने की बात कहकर रात में घर से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी। इस मामले में ना तो कोई PCR कॉल की गई और ना ही पुलिस को किसी ने शिकायत की। पुलिस को वारदात की जानकारी हॉस्पिटल से मिली। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपी अंकित भी बताया जा रहा है, जो लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड रहा है। इस घटना के दौरान उसके साथ हिमांशु और मनीष नाम के 2 लड़के भी मौजूद थे, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस मर्डर का मकसद क्या था। दिल्ली से नवीन कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।
दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके को पूरी तरह से बैगर फ्री करने की योजना पर काम चल रहा है। दिल्ली पुलिस इस योजना के तहत भिखारियों को शेल्टर होम में शिफ्ट करेगी। क्या है पूरी स्कीम और कब तक कनॉट प्लेस को बैगर फ्री बना दिया जाएगा, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस होगा अब बैगर फ्री। जी हां, दिल्ली के कनॉट प्लेस को बैगर फ्री करने की योजना पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है दिवाली से पहले इस अभियान पर काम शुरू हो जाएगा। अभियान के तहत कनॉट प्लेस के भिखारियों को यहां से हटाया जाएगा और उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल भिखारियों की वजह से कनॉट प्लेस के धार्मिक स्थलों और दिल्ली के सबसे बड़े ओपन शॉपिंग हब में आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास तौर से विदेशी टूरिस्ट को जो कनॉट प्लेस में आना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये भिखारी कनॉट प्लेस के पार्क, सबवे और दुकानों के बाहर अपना डेरा डाले हुए हैं। वहीं शाम के समय आपराधिक वारदातों में भी इनका शामिल होना बताया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने ये जिम्मा उठाया है। ये ड्राइव दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत इन भिखारियों को शिफ्ट करने से पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, जिसमें इन्हें जागरूक किया जाएगा कि वे खुले आसमान के नीचे ना रहें, किसी शेल्टर होम या फिर जिनके घर हैं या परिवार हैं वे वहां चले जाएं। इसके अलावा जो बेघर होंगे उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट करने का काम भी किया जाएगा। ये अभियान दिवाली से पहले शुरू किया जाएगा, जिसके बाद ये इलाका बैगर फ्री जोन में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली में बारिश की वजह से डेंगू और मलेरिया के केस बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए एमसीडी भी चिंतित नजर आ रहा है। आपको बता दें कि साउथ एमसीडी ने सागरपुर इलाके में फॉगिंग ड्राइव चलाई, इसके साथ ही लोगों को डेंगू और मलेरिया के प्रति जागरूक भी किया। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखते हुए एसडीएमसी ने फॉगिंग अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक एसडीएमसी ने सागरपुर पश्चिम क्षेत्र में डेंगू के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए फॉगिंग अभियान चलाया है। एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यन के मुताबिक इस साल अब तक 723 डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नियमित रूप से घरों की जांच भी की जा रही है। एसडीएमसी की रिपोर्ट की माने तो बीते सोमवार इस साल दिल्ली में डेंगू से पहली मौत दर्ज हुई। इसी के साथ अभी तक डेंगू के कुल 723 मामलों में 382 मामले अक्टूबर के महीने में रिपोर्ट किए गए। वहीं अक्टूबर महीने की 16 तारीख तक यह आंकड़ा 385 तक पहुँच चुका था। सिविक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से अभी तक डेंगू के कुल मामलों में जिस तरह इस साल बढ़ोतरी हुई है, वैसे पिछले सालों में कभी नहीं हुई। इस साल 16 अक्टूबर तक ये संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है। हर साल मॉनसून आने पर दिल्ली में डेंगू बीमारी का प्रकोप आता है। इसको देखते हुए अस्पताल में डेंगू की जाँच के लिए फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं। डेंगू के मरीजों के लिए 100 से अधिक बेड की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर 3 से 4 दिन तक उल्टी, तेज बुखार और चक्कर आ रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टरों का कहना है कि बुखार, शरीर के दर्द और मसल्स का खिंचाव दूर करने के लिए अक्सर लोग एस्प्रिन, निमोसलाइड, बुफ्रेन जैसी दवाएं लेते हैं, लेकिन डेंगू की स्थिति में आपको इन दवाओं से दूर रहना है। डॉक्टर की सलाह के बिना इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये घातक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।